श्रीमद वाल्मीकि रामायणम अरण्य कांडम एक विंश सर्ग प्रत्यागत आक्रोशंतीम शूर्पण काम करो रोदन कारण सापि प्रेषित राक्षसानाम नाश करम युद्धा प्रोत्साहयति सपुन पति दृष्ट क्रोधाचूपन का पुनः उवाच वा व्यक्तवाच तामनर्थात् अर, ताम मा गम् आगतां तामनर्थात् आगताम् मया द्विदानीं शूरास्ते राक्षसा पिशिताशनाः त्वत्प्रियार्थं विनि विनिर्दिष्टा किमर्थं रुद्यते पुनः भक्ताश्चरक्ता श मम नित्यशः हन्यमाना न हन्यन्ते नन कुर्युद्वचो ममह मम किमेत श्रोतुमिच्छामि कारणं पुनः हानातेति विनर्दंती सर, सर्पवच्छेष्ट सेचित अक्षितो अनाथ वद्ध विलपसी किम् नुनाते मयि स्थिते उत्तिष्ठो तिष्ठमैैवम अक्लय

शोणितौ गपरिक्लिन्ना त्वया च परिसांतिता प्रेषितास्य त्वया असुर राक्षसास्ते चतुर्दश निहन्तुम राघवं घोरं मतप्रियार्तम स लक्ष्मणं ते तु रामेन रामर्षाह शूलपट्टिशपानय पानयह सर्वे सहायकै

शक्तिस्ते तेजो वास्ति निशाचर दण्डकारण्य निलयम् जहि राक्षस कण्डकम् कण्डकम् यदि रामं अमित्रग्नं नत्वत्व वदिष्यसि तव चैवाग्रत प्राणान् त्यक्षामि निरपत्रपा भद्यहम् अनुपश्यामि नत्वं रामस्य संयुगे स्थातुं प्रतिमुखे शक्तः सबलोपि महारणे शूरमानीं न शूरस्त्वं मिथ्यारोपितविक्रमः अपयाहि जनस्थानत्वारितः

क्षिप्रम विनशिष्यसि सहितज सयुक्त रामो दशरथात्मज भ्रता चास् एवं विलप्य बहुशो राक्षसी प्रदरोदरी ब्रातु समीपे शोकाता नष्ट संज्ञा बभूव कराभ्या हत्वा रुरोध वृष दुखिता इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे सर्गः